जी सत श्रीकाल जी। कुछ टाइम पहले ना असं इंस्टाग्राम से एक पोस्ट पाई थी जिदे तो टैक्स सेविंग करने की एक ट्रिक दसी थी तो उद्दे बहुत सारे व्यूवर्स का रिस्पॉन्स आया कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। सो वीडियो तुहाडे सामने। साडे चो ज्यादातर लोग इसे चीज़ की कंप्लेंट करते रहते हैं कि वो ज्यादातर टैक्स ही नहीं सेव कर पाते। तो टैक्स सेव करने की जिन्नी भी ऑप्शनस ने उन्होंने जो लॉक इन बहुत ज्यादा होंगे तो या फिर इंट्रस्ट रेट बहुत घट होंगे तो घूम फिरा के उही PF PPF ALSS इन्वेस्ट करके टैक्स सेव करने की कोशिश करते हैं। बट की होगा जो मैं तुम्हें दसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तुम्हें खुद ही इदा की एक ट्रिक दे रखी है जिनाल तुम इस तो कितने ज्यादा टैक्स सेव कर सकते हो। तो सब तो वड्डी गल है कि जो बहुत वड्डे वड्डे अमीर लोग है वो ऑलरेडी इस ट्रिक नू यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई प्रोफेसनल CAs होंगे जो उन्होंने टाइम टाइम से एडवाइस करते रहेंगे। बट क्योंकि तुम साडे चैनल पर आए हो तो तुम्हें इतने उस लैवल की एडवाइजरी मिलेगी। असं गल कर रहे हैं HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट्स। तुसीं इहदे बारे सुनिया तो बहुत बार होएगा पर शायद कदे एक्सप्लोर नहीं किया होएगा। इस वीडियो दे विच आपां गल करांगे कि HUF दे की बेनीफिट ने, क्यों यह बेस्ट टैक्स सेविंग हैक बनया होया, इस HUF अकाउंट नूं फंड किवें करदे आ ते एंड ते इस HUF अकाउंट दे कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करांगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हुण तुसीं सोच रहे होगे कि जिहड़ा HUF अकाउंट है ते इक बिजनेस अकाउंट है, मैं तां इक नॉर्मल सैलरी कमाउणा तां कि मैं भी इह अकाउंट खुलवा सकदा। तो हाँ जी, तुम भी अकाउंट खुलवा सकते हो। इस HUF अकाउंट को खुलवाने की सिंपल जी रिक्वायरमेंट सिर्फ इन्नी है कि तुम फैमिली होने चाहिए हो। इसका मतलब है कि जेकर तुम्हारी मैरिज हो चुकी है तो वाइफ के नाल HUF अकाउंट खुलवा सकते हो, तो जेकर मैरिज नहीं हुई तो पेरेंट्स के नाल ही अकाउंट खुलवा सकते हो। जिदा ही तुम्हारी मैरिज होंगी HUF ऑटोमैटिकली बन जाता है, तुम्हें बस HUF लीगली फॉर्म करके डीड बनवानी पैंती है तो उस तो बाद HUF अकाउंट खुलवा सकते हो तो पैन भी अपलाई कर सकते हो। HUF की डीड एक लीगल स्टैंप पेपर से बनती है तो वह मैंबरस करता को पार्टनरस के नाम मैनशन किए जाते हैं। जो करता होंगे ना यूजली HUF का मोस्ट सीनियर मैंबर होंगे, बेसिकली करता को अथॉरिटी होंगी HUF के बिहाफ से डिसीजन लैन की। हूँ HUF बना तो लो बट इदा का की खास है, ये टैक्सेस किमें बचाए जा सकते हैं तो इस चीज़ में एक एग्जाम्पल के समझते हैं। मान लो एक फैमिली है तो उस फैमिली के तीन मैंबर ने, हसबैंड है उसकी सैलरी 20 लाख रुपए है, वाइफ है उसकी सैलरी 10 लाख रुपए है, तो एक बच्चा उसकी कोई सैलरी नहीं है, तो एडिशनली एक प्रॉपर्टी है जो साल का 7.5 लाख रुपए तक रेंट आता है। हूँ ये ऑप्शन 1 लैके चलते हैं जिद रेंट इनकम को हसबैंड की इनकम दिखाया जाता है तो उस तो बाद टैक्स कैलकुलेशन कुछ इस तरीके दिसणगियां। हूँ इस केस के हसबैंड 5,12,500 रुपए तो वाइफ को 82,500 रुपए टैक्स पे करना पेगा। यह टैक्स कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रिजीम नू यूज करके बनाई गई ने तो टोटल जेकर मिला के देखा जाए तो दोनों का 5,95,000 रुपए टैक्स भरना पेगा। हुण इत्थे ऑप्शन 2 है कि रेंट इनकम नू वाइफ की इनकम दिखाया जाए तो ये भी तुसीं ध्यान नाल देखो तो टैक्सेबल इनकम दे विच कोई बहुता फर्क नहीं आता। उही रेंट इनकम जेकर हसबैंड की इनकम दिखा रही थी तो 5,95,000 रुपए का टैक्स बनता है, उही रेंट इनकम जेकर हुण वाइफ की इनकम दिखा रहे हैं तो सिर्फ 2,500 रुपए की फर्क पैंदा। बट इत्थे एक तीजा ऑप्शन भी है, जेकर हसबैंड ते वाइफ दोनों मिलकर HUF बना लैण ते जिहड़ी प्रॉपर्टी की इनकम है उन्होंने HUF की इनकम दिखा देन तो फिर कितना टैक्स पे करना पेगा। तो इतने तुम ध्यान देख सकते हो कि सीधा सीधा 1,40,000 रुपए बच रहा है, इतना ज्यादा बेनीफिट होता है सिर्फ एक HUF बनाने का। हूँ जिदा 2,50,000 की इनकम से कोई टैक्स नहीं लगता तो उस तो बाद काफ़ी सारे डिडक्शन मिल जाएंगे ने जिमें कि ATC ATD वगैरह। प्रैक्टिकली HUF भी सेम उस तरीके ही काम करता है। HUF के नाल तुम मन के चल सकते हो कि इनकम टैक्स ने तुम्हें एक इदा का अकाउंट दिता जिथे 5-6 लाख की इनकम से बिल्कुल निल टैक्स भरोगे। हूँ इस HUF के नाल शेयर मार्केट के इनवैसट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स के इनवैसट कर सकते हो। इनफैक्ट इस HUF अकाउंट के नाल मैंबर की लाइफ से हैल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी पे कर सकते हो, है ना कमाल की चीज़। हूँ यह सारिया गल्लां तां हो गईयां पर HUF एक बिजनेस अकाउंट है तो HUF बनाने तो बाद इस अकाउंट को फंड किवें करोगे तो यह पार्ट थोड़ा जिहा ट्रिकी है। HUF को फंड करन दे 3-4 तरीके है। सब तो पहली चीज़, जेकर तुहाडे कोल कोई एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को HUF दे विच ट्रांसफर करके उसकी जिहड़ी रेंट इनकम है उसनू HUF दे विच फंड कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि तुसी HUF दे मैंबरस तो गिफ्ट रिसीव कर सकते हो, हालांकि इहदी कोई लिमिट नहीं है बट इहदे विच एक चीज़ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पैंदा है कि इस इनकम को तुसी सिर्फ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट दे विच ही इनवैसट कर सकते हो। जेकर नॉन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स दे विच इनवैसट करोगे तो तुहानू उत्थे कैपिटल गेन देना पेगा। तो तीसरा तरीका है, नॉन मैंबरस तो गिफ्ट रिसीव कर सकते हो, ये साल के 50,000 तक की लिमिट होंगी है तो जेकर इस तो ज्यादा तुम नॉन मैंबरस तो गिफ्ट रिसीव करोगे तो वह तुम्हें टैक्स देना पेगा। हमें सुन के HUF काफ़ी वधिया लग रहा है बट इदियां थोड़ियां जिहियां डिसएडवांटेजेस भी ने। यदि सब तो वड्डी डिसएडवांटेज यही है कि HUF दे विच तुसी जिहड़ी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो कल नूं जेकर तुसी उस प्रॉपर्टी नूं बेचना चाहुंदे हो तो यह चीज़ काफ़ी कॉम्प्लीकेटेड हो जाती है। हुण अज दे टाइम ते कोई भी बायर इदां दा घर खरीदना चाहुंदा या फिर इदां दी प्रॉपर्टी खरीदना चाहुंदा है जिहदा टाइटल बिल्कुल क्लीयर होवे, ते HUF दे केस दे विच HUF दी जिहड़ी प्रॉपर्टी हुंदी है उहदे काफ़ी सारे क्लेमेंट्स हो सकदे आ। इस केस दे विच जो शायद हो सकता है बायर नूं एक्सेप्टेबल ना होवे, मान लो तुहाडी HUF दे विच कोई प्रॉपर्टी है ते कल नूं तुहानूं उह प्रॉपर्टी बेचनी पै जाए तो तुहानूं HUF दे सारे मैंबरस दी मंजूरी चाहिए है। जेकर एक ने भी मना करता तो यह चीज़ टोटली कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगी। तुम इदा मन के चल सकते हो कि जो HUF बनाने का डिसीजन है ना यह एक तरफा रस्ते के वगू है, तुम कुछ भी डिसॉल्व या फिर रिवर्स या फिर पिछे आना ना तो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस ने HUF तुहाडे कोल हुण सारी इनफॉर्मेशन आ गई है, इस तो बाद डिसीजन तुहाडा होएगा कि तुसीं की करना है। बाकी HUF दे रिगार्डिंग तुहाडा होर कोई डाउट या फिर सजेशन है तो सानूं कमेंट सैक्शन दे विच दस सकते हो। जल्दी मिलते हैं किसी नवी वीडियो दे नाल, टिल दैन बी की फाइती।